अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है और आज का हमारा दिन है, होंडा BRV के नाम है। ये शेप और ये गाड़ी काफ़ी कॉमन हो रही है और काफ़ी तेज़ी से हमारे लोग इसको ले रहे हैं। होंडा BRV जिसको मोस्ट कॉमनली हमारे मुल्क में बशीर रियाज व्हीकल भी कहा जाता है, क्योंकि BRV स्टैंड्स फॉर बशीर रियाज व्हीकल, बट ऐसी बात नहीं है। BRV स्टैंड्स फॉर बोल्ट रिबाउट व्हीकल है। काफ़ी लोग इसके बारे में मिसकंसेप्शन करते हैं कि इसका नाम बशीर रियाज व्हीकल है। बशीर रियाज व्हीकल नहीं है, बोल्ट रिबाउट व्हीकल है। ये 1.5 पेट्रोल में है और काफ़ी आजकल अगर देखा जाए काफ़ी मुल्कों में चल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया और भी काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं एशिया के जिनमें ये गाड़ी काफ़ी कॉमन हो रही है और काफ़ी पॉपुलर हो रही है। शेप वाइज देखी जाए तो गाड़ी कोई बुरी नहीं है। और सबसे पहले इसमें मैं होंडा पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एक नई चीज़ लॉन्च की है और मेरा ख्याल है हमारे लोगों के लिए बहुत बेहतर है। इसके बिकने की एक ये वजह भी है कि लोगों ने इस शेप को पसंद किया है और ये एक थोड़ी बड़ी गाड़ी की इसकी लुक है। जो लोग प्राडो अफोर्ड नहीं कर सकते या लैंड क्रूज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी वजह हो उसकी, पेट्रोल वाइज हो, प्राइस वाइज हो या वैसे भी हो, उनके लिए होंडा BRV बहुत बेस्ट गाड़ी है। और इसके लिए मैं हमारे लोकल होंडा पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगा कि एक नई इन्होंने नई चीज़ लॉन्च की और बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूं ऐसी और अच्छी चीज़ें लॉन्च करें। और मैं ये भी चाहता हूं कि होंडा की N सीरीज़ जो है छोटी गाड़ियों में भी, वो भी जल्द लॉन्च कर देनी चाहिए विद फुल एसेसरीज़। जहाँ तक गाड़ी की बैक का ताल्लुक है, बैक भी काफ़ी खूबसूरत है, बट एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर मिस करता हूँ, क्रोम का यूज़ काफ़ी अच्छा है। बम्पर में भी सिल्वर जो है, आप एडिशन एक्सटेंडर कह लें या वो कुछ भी कह लें, अच्छा एक एडिशन है। रिफ्लेक्टर भी अच्छे हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूर तंग करती है, ये लाइट। अगर आप देख रहे हैं ये लाइट अच्छी खूबसूरत है, LED है, ये जस्ट इतनी सी है। अगर देखें ये इतनी सी है, 26-27 लाख की गाड़ी में जस्ट इतनी सी एक लाइट है रात को जो जलती है, पता चलता है। और ये बाकी इसका बैक गियर का है। ये अगर इसमें काफ़ी लोग समझते हैं ये लाइट है, ये सिर्फ लाइट की केसिंग है, लाइट नहीं जलती इसमें। ये अगर आप देख रहे हैं, ये BRV की बैक लाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर ये गाड़ी की लाइट में ये LED यहाँ से शुरू होती, ये करके इधर तक आती तो बहुत अच्छा था। प्राइस वाइज भी लगती गाड़ी ये खूबसूरत है, अच्छी इसकी जस्टिफिकेशन लगती। बट मेरा ख्याल है इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं, इसकी लाइट की जस्टिफिकेशन नहीं लगती, क्योंकि जस्ट इतनी सी LED आप देखें, इतनी बड़ी मतलब 26-27 लाख की गाड़ी और जस्ट इतनी सी एक LED है। जहाँ तक गाड़ी की लाइट की बात की जाए, हेडलाइट में काफ़ी अच्छा इन्होंने डे लाइट रनिंग LED, और ये आजकल अगर इसको कहा जाए कि एक फैशन ट्रेंड ये चीज़ बनी हुई है, यानी जिसके पास नई सिविक है, नई करोला है या BRV है या कोई अच्छी जैपनीज़ गाड़ी है, वो ये ज़रूर चलाता है। किसी के कैसे डे लाइट रनिंग इज़ फैशन ट्रेंड और ये आजकल नई चीज़ है और होनी चाहिए हर गाड़ी में। जहाँ तक टायर का ताल्लुक है तो टायर भी इन्होंने काफ़ी बड़ा यूज़ किया है, रिम भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, जो गाड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बाकी अगर नीचे देखा जाए गाड़ी की क्लियरेंस भी काफ़ी है, क्लियरेंस भी आप देखें अच्छी खासी है गाड़ी की, और मुझे इतनी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरेंस काफ़ी है गाड़ी की। क्रोम का नीचे अच्छा यूज़ किया हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फीचर है, हमारी हर गाड़ी में भी होना चाहिए क्रोम का। अगर आप देख रहे हैं दोनों दरवाज़ों में यूज़ है, एक अच्छा फीचर है, होना चाहिए। जहाँ तक गाड़ी के स्टेयरिंग का ताल्लुक है तो स्टेयरिंग भी काफ़ी अच्छा है, इन्होंने बेहतर एडिशन दिया और ख़ास तौर पे मल्टी स्टेयरिंग का मुझे काफ़ी इनका अच्छा लगा है फीचर। बाकी एक चीज़ ज़रूर है, हॉर्न इसमें नहीं पापा वाला दिया, लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर अच्छी गाड़ी और जैपनीज़ भी जो मोस्टली कस्टम जो गाड़ियाँ हैं उनमें ज़रूर आता है। एक और फिर इसमें मुझे फ़ीचर लगता है कि इसमें LED ज़रूर होनी चाहिए। चलते हुए गाड़ी जैसे मैंने पहले बताया बड़ी खूबसूरत लगती, ख़ास तौर पे एक डे लाइट के साथ आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, हर बंदा ये चीज़ चला रहा है। गाड़ी की लुक, गाड़ी की ब्यूटी आप देख रहे हैं, खूबसूरत है गाड़ी, और मेरा ख्याल है अगर आपका कम बजट है लाजमी लें ये। तो गाड़ी में लेग स्पेस का ताल्लुक है तो लेग स्पेस गाड़ी में काफ़ी है, खुली डुली है, बट ये कि मैं जिस तरह बैठा हूँ अब ठीक है खुला होके, बट ये कि अगर आपके कोई पीछे बैठा हो, पिछली सीट पर बैठा हो तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये वाली सीट आगे थोड़ी ड्रैग करनी पड़ती है, ये हो जाती है। लेग स्पेस उस हिसाब से ठीक है गाड़ी में। ये गाड़ी अगर देखा जाए हमारे रफ़ टेन्योर के हिसाब से, ऑफ रोडिंग के हिसाब से बेस्ट है, गाड़ी बहुत अच्छी है। रूफ रेल्स भी गाड़ी में काफ़ी खूबसूरती में इसकी जो है एडिशन करते हैं। गाड़ी में जस्ट ये कि LEDs होनी चाहिए कम्प्लीट, शीशे पे रडार होना चाहिए,
रेन वाइजर ये कोई नहीं देता, ये आफ्टर मार्केट है, इसके BRV के जेनवन है जो कि मेरा ख्याल है होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। ये कोई इतनी वर्थ इतनी कोई महंगी चीज़ें नहीं है, ये 1000-1500 में मिल जाते हैं। एक चीज़ जो इसमें मुझे तंग कर रही है और अच्छी नहीं लग रही वो ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं। जैसे सेम एज जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, ये बसों वाला शीशा लगता है, इसमें कोई कवरिंग हो कोई लाइट हो कुछ भी नहीं है जो कि मेरा ख्याल होना चाहिए। फिर स्क्रीन पे भी देखें आप, रडार भी नहीं है और इसका मटेरियल भी अगर आप देखें अभी भी ये, हालांकि मैंने ठीक कराया है, बट ये कि इसका मटेरियल आप देख रहे हैं अभी भी आपको पता चलता है, ये देख रहे हैं आपको अभी भी नज़र आ रहा है वाजे कि ये जो है मटेरियल इतना अच्छा नहीं है। स्क्रीन पे रडार होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, गाड़ी में क्रूज़ ज़रूर होना चाहिए, क्रूज़ की मुझे बहुत कमी रही है। आप इसे लॉन्ग पे चलाएं, क्रूज़ की यकीन माने आप मुझे क्रूज़ का बहुत प्रॉब्लम हुआ है, लॉन्ग पे चलाएं आप गाड़ी क्रूज़ का बहुत बड़ा इशू है। क्रूज़ होना चाहिए इस साइड पर, लाजमी होना चाहिए, प्रॉपर मल्टी स्टेयरिंग हो, ये ज़रूर चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए मैं ज़रूर कहता हूँ अंडा पाकिस्तान से कि आप ये चीज़ें डाल दें, अगर आप पैसे ले रहे हैं तो ये चीज़ें भी ज़रूर दें। फीचर ये है कि ये मैं कहता हूँ लाजमी होना चाहिए, जिस तरह आप देख रहे हैं BRV का लोगो है, ये बेसिकली मैंने खुद लगवाया, आफ्टर मार्केट है, बट ये मैं चाहता हूँ होना चाहिए। जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है तो गाड़ी ड्राइव में काफ़ी स्मूथ है, बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ये कि क्योंकि नई है ये गाड़ी, हमारे लोगों को भी इसका इतना कोई आइडिया नहीं है, एक्सपोजर नहीं है गाड़ी, मगर बिक काफ़ी रही है। अगर देखा जाए इसकी हिस्ट्री नहीं है, बिक काफ़ी रही है, लोगों ने पसंद किया है क्योंकि इसकी क्लियरेंस की भी वजह है, क्लियरेंस इसकी काफ़ी है, ऊपर है, गाड़ी 1500 है। फिर लोगों जो प्राडो अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर्च्यूनर अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने ये गाड़ी ज़रूर ली है। और इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं देखता हूँ, ये इको का बटन अगर आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जब चलती है इको का बटन एक आ जाता है, हालांकि इको का कोई मोड नहीं है गाड़ी में, बट मैं नहीं जानता ये बटन क्यों है इको का इसमें। और इसमें अब ये कि कोई फ्यूल सेविंग का भी SH को लग नहीं रहा मुझे कि ये फ्यूल सेविंग का होगा, बट ये देख रहे हैं अब आप, फिर आपको नज़र आ रहा है मीटर में इको का एक बटन, तो मेरा नहीं ख्याल ये इको का बटन का कोई खास इसमें, क्योंकि अगर इसका प्रॉपर फंक्शन होता तो बटन ज़रूर होता इको का, ये जस्ट एक लाइट सी जलती है मीटर में। जहाँ तक लाइट का ताल्लुक है तो लाइट में मैंने जैसे पहले बताया LED कोई नहीं है, ये मैंने खुद लगाई है आफ्टर मार्केट, इसकी लाइट भी देखें काफ़ी है और ये मेरा ख्याल है होनी चाहिए, ये कोई इतनी कॉस्टली चीज़ें नहीं है, ये कॉस्टली नहीं है। बाकी यहाँ भी देखें अगर वही शीशा है, शीशा मेरा नहीं ख्याल इसमें शीशे की कवरिंग होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए जो कि नहीं है। ड्राइव वाइज गाड़ी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, और मेरा ख्याल है अगर आपका कम फैमिली बजट है आप लाजमी लें, ये ज़रूर लें। होंडा BRV बहुत अच्छी गाड़ी है, जैसे मैंने पहले बताया, चंद इनको एडिशनल फीचर्स ये दें, गाड़ी बहुत बिके और बहुत बिके, इसकी रीसेल भी काफ़ी अच्छी हो। गाड़ी में काफ़ी खूबसूरत डे लाइट रनिंग LED है और ये मैं कहता हूँ हर गाड़ी में होनी चाहिए। बाकी इसमें प्रोजेक्टर लैंप ज़रूर है, LED नहीं है, मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है, प्रोजेक्टर लैंप ज़रूर है, LED नहीं है जो कि होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। फॉग लैंप में भी इसी तरह देख लें आप, सादी बिल्कुल येलो लाइट वाला फॉग लैंप है, क्रोम का अच्छा है एडिशन है, क्रोम का यूज़ भी साइड पे अच्छा है, बट LED होता तो अच्छा लगता है, कम्प्लीट LED, क्योंकि जितने पैसे ले रहे हैं उसमें कम्प्लीट LED अच्छा लगता है। जहाँ तक एयर बैग्स का ताल्लुक है तो गाड़ी में दो एयर बैग्स हैं, एक फ्रंट पे आता है, इस साइड पे आता है और एक स्टेयरिंग में आता है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छी फीचर है, एयर बैग लाजमी होने चाहिए गाड़ी में। और इसमें अगर चार होते और भी अच्छा था, मगर चलें ये भी दे दिया, नॉट बैड। आगे आप देख सकते हैं इसमें एक और है कि स्पीकर की क्वालिटी, जैसे मैंने पहले बताया साउंड क्वालिटी अच्छी है, बाकी ये भी अच्छा वाइट, बट ये कि हमारे ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ये गंदा जल्दी होने लग जाएगा, ये वाइट क्योंकि ये दिया का जो मटेरियल है प्लास्टिक का वाइट है, ये गंदा जल्दी होने लग जाएगा। जहाँ तक LCD का इसके सवाल है, LCD में ये ज़रूर है क्योंकि मैं इसका पर्सनल यूज़र हूँ और हूँ भी, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ गाड़ी आजकल, LCD में मुझे ये ज़रूर इशू रहा है कि जब से मैंने लिए ये 8 से 10 दफ़ा स्टक ज़रूर हो चुका है, ये स्टक हो चुका है, जो मैं ये अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, मैं ये किसी का कहे नहीं बता रहा, ये मेरा पर्सनल मैं नहीं जानता, पर मेरा ख्याल है कि ये हर एक जो मोस्टली BRV है उनमें जो S-पैकेज की है उसमें ये वाला जो LCD है इसका ज़रूर एक इशू रहा है। बाकी ये ज़रा थोड़ा सा इन्होंने मटेरियल इसका मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, ये बस जस्ट एक प्लास्टिक का दे दिया, अगर कोई इसमें ज़रा बेहतर देते तो ठीक था। अगर बाकी एक और चीज़ इसमें देखा जाए, ऑटो, जो चीज़ मैं इसमें मिस करता हूँ, ऑटो क्लाइमेट नहीं है, यकीन माने आप एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं कई दफ़ा मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ है। पहले इधर से आप अगर देखें आपको ऑन करना पड़ता है, फिर AC करें, फिर इसमें से ये ऊपर टेम्परे इसका करें, फिर टेम्परेचर का करें, फिर इसकी थ्रो का करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और डिजिटल क्लाइमेट हो, क्योंकि इन्होंने इसका दिया हुआ डिजिटल, थोड़ा सा इसका ये दिया हुआ जस्ट एक स्क्रीन सी दी हुई है, बट इसमें अगर जस्ट एक डिजिटल बटन भी हो सिस्टम हो तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। फिर एक चीज़ जो मुझे तंग करती है, काफ़ी तंग करती है, आप ये देख सकते हैं, ये आजकल कहीं भी ऑप्शन नहीं चल। शेप वाइज देखी जाए गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, टायर रिम खूबसूरती, साइड एरोडाइनमिक, रूफ रेल्स,
हर चीज़ है गाड़ी में अगर देखा जाए। चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी है जो कि ये है, एसी की थ्रो भी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी इफेक्टिव है। बाकी ये है कि ये जस्ट एक एक्सटेंडर है, ये प्रॉपर कोई एसी नहीं है, या आप जिसका ड्यूअल एसी प्रॉपर नहीं है, ये जस्ट एक हवा जो आगे से है उसको एक्सटेंड कर रहा है, ये जस्ट एक एक्सटेंडर है, प्रॉपर नहीं है। जहाँ तक सीट्स का ताल्लुक है तो सीट्स का लेदर जो है थोड़ा सा हार्ड है लॉन्ग पे, या सीट्स का लेदर से थोड़ी स्मेल भी कह लें अगर, स्मेल ही हो जाएगा टाइम के साथ। और सीट का मटेरियल ये है कि क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग पे टेस्ट किया, गाड़ी को लेके भी गया हूँ, 2-3 दफ़ा गया हूँ, हार्ड है, आप थक जाते हैं। बाकी जहाँ तक 7 सीटर का ताल्लुक है तो अगर आप देख रहे हैं पीछे कोई स्पेस नहीं है, जो 7 सीट पर कोई छोटा बच्चा ही बैठ सकता है, और ये प्रॉपर कोई 7 सीटर गाड़ी नहीं है। बट मैं नहीं जानता इसको क्यों इन्होंने 7 सीटर कर दिया। फिर इसमें ये कि स्पीकर दिया हुआ है, अच्छी बात है इन्होंने। आगे ये शीशा एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इन्होंने ये शीशा अच्छा दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश यही की जो सही बात है आपको वो बताऊँ, फैक्ट्स बताऊँ। और ये कि वंस अगेन क्लैप फॉर होंडा पाकिस्तान, अच्छी एक एडिशन की, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ हमारी और कंपनीज़ भी ऐसी अच्छी एडिशंस करें। हमें ये जो है एक होंडा सिटी, सिविक और ये करोला से निकालें, और सुजुकी तो ख़ास तौर पे ये है कि उनको तो चाहिए कि, अब मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। बाकी यही है कि इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फेसबुक पे शेयर लाजमी करें, और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कमेंट में। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।